एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे ले लिया और इसी के थ्रू आपको सारा एप्लीकेशन करना आ जाएगा कि भाई बेसिक लेवल पे आप किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो और किस तरीके से सीख सकते हो कि डायरेक्शन किस तरीके से काम करती है और न्यूमेरिकल हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं, कम ऑन। तो एक सिचुएशन यहाँ पे है, एक सिंगल ब्लॉक मैंने ले लिया जिसका मास 1 kg है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स उसको खींचने के लिए, उसको मूव कराने के लिए, ठीक है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स है एक तरीके से, यू कैन से ड्राइविंग, उसको ड्राइव कराने के लिए आपने लगा दिया है। अब उसने बोला है कि ये सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशियंट है ना, स्टैटिक वैल्यू है 0.2, काइनेटिक वैल्यू है 0.15, ठीक है, दिस इज योर काइनेटिक वैल्यू, क्लियर है सर, ठीक है। वो बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हम 1 न्यूटन ले तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा एज वेल एज एक्सलरेशन इस ब्लॉक का क्या होगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। सिंपल, आप पहले देख लो कैसे उड़ाओगे, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और अगर ये फ्रिक्शन में 1 न्यूटन ना लगा के, 3 वैल्यूज हमने फोर्स के ले लिए है, अगर फोर्स हम 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तब एक्सलरेशन क्या होगा, और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 2.5 न्यूटन लगा देंगे तो क्या होगा। सिंपल सिंपल सिंपल, सबसे पहली कंडीशन देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की 2 वैल्यूज गिवन हो, स्टैटिक भी और काइनेटिक भी, तो सबसे पहले चेक कर लो कि इस सिचुएशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकती है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो होएगा ही नहीं ना, ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, ये अभी सीखा, ये करना ही करना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको स्टैटिक फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फिर उसको इसके साथ कंपेयर करना है, तब डिसाइड करना है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो भाई निकाल लेते हैं सर, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट 0.2, एन क्या होता है, एन हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर को और इसका वेट होगा नीचे, और एन हमेशा वेट के इक्वल होगा, सो दिस इज एम जी, तो 0.2 इंटू मास है 1 × 10, तो आप देख सकते हो 2 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 2 न्यूटन। अब कंपेयर करो, अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करो, क्या सर, अगर फोर्स आपने अप्लाई किया होगा 1 न्यूटन तो आप देख सकते हो ये है 2 न्यूटन, सो हियर नाउ यू कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स, है कि नहीं है, अगर 1 न्यूटन लिया तो ये ज्यादा है ये कम है, तो अगर ये ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन जो पीछे को एक्ट कर रहा है वो ज्यादा हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाए, तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, यही तो सीखा था अभी, ये स्टैटिक कंडीशन पे ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन अगर हो जाए तो ये चलेगा नहीं, अगर नहीं चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हो गया 0, देन द व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स देन, तो यहां पे अगर आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाएगा, चूंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और मिनिमम फोर्स एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई किया दैट इज 1 न्यूटन, सो इन दोनों में से जो कम होगा ना, यानी 1, ये इसका फ्रिक्शन लेंगे, एटलीस्ट इतना फ्रिक्शन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 और मैक्सिमम म्यू एस और एन के बीच में लाई करती है कहीं ना कहीं, ठीक है, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, और ये देखो 0 से इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है, तो हम यहाँ आंसर लिख के आएंगे 1 न्यूटन, तो एटलीस्ट आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतना होना चाहिए, ठीक है, या इसके इक्वल होना चाहिए, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर तो वो यू नो एक्सीड कर जाएगा, तो आप इस चीज पे फोकस करेंगे। तो यार सर, जब भी एक्सटर्नल फोर्स कम होगा और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इट मीन्स बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, तो एक्सटर्नल में से और फ्रिक्शन में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आंसर होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो 1 न्यूटन आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, मतलब कहने का फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिर एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू उसकी ज्यादा है, सिंपल है, और एक्सेलरेशन उसका हो जाएगा 0, क्यों होगा सर, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, और जब दोनों फोर्स इधर वाला सेम, तो नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी 0, दोनों तरीके से समझ लो आप, नो प्रॉब्लम, एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है सर। अब आ जाओ, अब अगर ये 1 की जगह आप 2 न्यूटन अप्लाई करते, ठीक है, 2 न्यूटन, तो आप देख सकते हो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वैल्यू भी 2 न्यूटन है, एक्सटर्नल भी, मतलब इस कंडीशन में भी यहां पे एक्सटर्नल जो फोर्स आ रहा है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है, इट मींस दैट दोनों फोर्स इक्वल है, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई, ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई, ठीक है, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन आपका 0 ही होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन दोनों ही सेम है, तो 2 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, आप 2 न्यूटन ही अप्लाई करके आएंगे,
ठीक है। अगर केवल फ्रिक्शन फोर्स पूछे तो एक्सटर्नल भी उतना ही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी है, तो वही हमारा आंसर है, सिंपल है, चेक कर लो। सो अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स की 2.5 न्यूटन वैल्यू ली, ये वाली वैल्यू ले ली 2.5 न्यूटन, तो आप कंपेयर करो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे आ रहा है 2.5 न्यूटन दे रखा है और जो मैक्सिमम वैल्यू आई है स्टार्टिंग फ्रिक्शन की वो आई थी 2 न्यूटन, देख लो यहां पे 2 न्यूटन। तो यार आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम है। सो जब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये पक्का मूव करने लगेगी, अभी हमने देखा था, प्रूफ किया था, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये ज्यादा ये कम, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ काइनेटिक, ये काइनेटिक कंडीशन है, काइनेटिक कंडीशन है। और अगर क्वेश्चन में काइनेटिक कोफिशियंट दे रखा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहां एक्ट कर रहा है वो काइनेटिक होगा, तो इस वाले डेटा का यूज करना है, फिर इस वाले डेटा का मतलब इस कंडीशन में अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो आपने यूज करना पड़ेगा म्यू के इंटू एन। सो ये हो जाएगा म्यू के कितना है सर 0.15, एन कितना है सर एम जी, यानी M1 है G10 है, यानी आ जाएगा 1.5 न्यूटन, आप देख सकते हो इतना होगा, क्योंकि हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से कम होता है और स्टैटिक 2 न्यूटन है, तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। और चूंकि ये काइनेटिक है तो यहां पे एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन यहां आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो इस फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से निकाला जाएगा और ये एक्सटर्नल फोर्स यूज किया जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यू कैन कैलकुलेट दिस, आप देख सकते हो यहां पे ये जो ब्लॉक रखा हुआ था इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लग रहा है काइनेटिक और एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है 2.5, ये कम है ये ज्यादा है तो ये आगे जाएगा, तो नेट फोर्स आप निकाल सकते हो F इक्वल टू एम ए, ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहां से चेक कर लो आप, ठीक है। तो यहां पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे 2.5 माइनस अपोजिंग फोर्स 1.5, इसका मास है 1 इनटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना बचा भाई आपके पास 0.5 इक्वल टू ए, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन, नाउ यू कैन सी, तो 2.5 1.5 तो 1 बचेगा दैट इज ए, तो ये आएगा आपका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया, आप क्लियरली देख सकते हो क्योंकि ये काइनेटिक कंडीशन है और इसका अपोजिंग फोर्स काइनेटिक फोर्स बन जाएगा। तो तीन फोर्स, तीनों सिचुएशन हमने देख ली, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स आप देख सकते हो यहां पे, जब एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है, फिर उसके इक्वल है, फिर उससे ज्यादा है, तो ये सारी कंडीशन हमने यहां पे कैलकुलेट करके देख लिया।